नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता हाजिर हूँ आप सभी के सामने। इस वक्त मैं नाला सोपारा स्टेशन परिसर की तरफ मौजूद हूँ और आज से आम लोगों के लिए ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन से लेकर अब तक जो आम लोगों के लिए ट्रेन सेवा बंद की गई थी वो आज 1 फरवरी है और आज से कुछ सीमित समय के लिए शुरू कर दी गई है। समय ऐसा है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक और रात के 9 बजे से लेकर आखिरी लोकल तक ये ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। इस वक्त नाला सोपारा स्टेशन परिसर का जो हाल है वो आप देख सकते हैं, किस प्रकार से गर्दी उमड़ पड़ी है। 12 बजे से जो जाने वाले लोग हैं वो अभी से इस स्टेशन परिसर की तरफ खड़े हैं और लोगों के अंदर एक ही प्रश्न बिंदु बना हुआ है कि जो ट्रेन सेवा जो समय निर्धारित किया गया है वो कभी पूरे समय के लिए शुरू होगा। सरकार ने 10 महीने से पब्लिक परेशान है, जिनकी 50,000 रुपये सैलरी उनके लिए ट्रेन खुली हुई है, जो 10-12 हज़ार रुपये में जिनकी सैलरी है जो काम करने जा रही है वो 6,000 रुपये हैवे से रिक्शे से दे रहे हैं, 6,000 रुपये में 5-6 हज़ार रुपये में घर का खर्चा कैसे चलाएगा, और उसको 9 बजे पहुँचने का तो वो कैसे पहुँचेगा, बम्बई में जो काम करने वाला है कैसे पहुँचेगा बताइए। अब उन्होंने चालू भी किया तो टाइमिंग ऐसा रखा है कि कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा तो चालू ही नहीं करना चाहिए था। 12 बजे से अगर उन्होंने चालू किया 12 से 4 तक का तो काम तो सुबह रहता है, 4 बजे 12 बजे कौन काम पर जाएगा। क्या मांग करना चाहते सरकार? मांग ये कि टाइमिंग सही रखना चाहिए कि जो लेबर काम करने वाले जिनकी 10-12 हज़ार रुपये सैलरी बेचारे टाइम से पहुँच जाएँ और टाइम से आ जाएँ। 12 बजे से कोई मतलब नहीं, अभी हम हैवे से जाएंगे, हमारा 100 रुपये जाने का 100 रुपये आने का भाड़ा लगता है, 200 रुपये, 6,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये आदमी काम कर रहा है, 10,000 रुपये काम कर रहा है, 6,000 महीना दे रहा है, वो तो बचेगा क्या, उसको 4,000 में अपनी फैमिली चला लेगा वो। पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है, जो आईडी वाले हैं उनके लिए सिर्फ है। आम पब्लिक सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक वो ट्रेन पकड़ती है और अपने ड्यूटी पर जाती है, लेकिन अगर है ही नहीं उसमें कोई सुविधा तो फिर कब करके, 12 बजे थोड़ी जाएंगे हम लोग, 12 बजे तक तो हम लोग काम पे रहते हैं। 12 बजे से 4 बजे तक और रात के 9 बजे से लेकर सुबह तक चालू किया गया, उसके बारे में क्या बताएं? एक आम मजदूर आदमी मतलब अपने ड्यूटी पर अपने टाइम से पहुँचेगा या वो 12 बजे तक का इंतज़ार करेगा क्या? कोई सुविधा नहीं है पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि 7 बजे से लेकर कम से कम 10 बजे तक की रनिंग दे, उसके बाद वो शाम को दे चलेगा, लेकिन आम पब्लिक जो यहाँ से जाएगी ड्यूटी पर तो कैसे जाएगी जब हम मुझे टाइमिंग ही नहीं दिया जा रहा है। सर क्या बताएंगे, कितने बजे से लाइन में खड़े? मैं सुबह 7 बजे से लाइन में खड़ा हूँ टिकट के लिए। क्या बताएंगे, जो टाइम टेबल रखा गया है उसके बारे में क्या बताएंगे? टाइम टेबल काम के हिसाब से जो पब्लिक का है बराबर नहीं है, बिकॉज किसी को ड्यूटी टाइम होता है सुबह 7 से लेकर 10 बजे का ही होता है, बाकी इसके बाद जाके लोग क्या करेगा, घूमने जाएगा चौक पे। सरकार से क्या मांग करना था? सरकार से मैं बस यही मांग करना चाहता हूँ कि आम पब्लिक को भी दो, क्योंकि आम पब्लिक के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है, उनकी सुविधाओं के मद्देनजर रखते हुए काम किया जाता है, ना कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको देखते हुए होता है।